बॉलीवुड की खूबसूरत एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय बच्चन अपनी फैमिली कॉन्ट्रोवर्सीज को लेकर बहुत टाइम से खबरों में है। सोशल मीडिया पर कई लोगों ने दावा किया है कि ऐश्वर्या का अपने ससुराल वालों के साथ जो रिश्ता है वो दिन ब दिन खराब होता जा रहा है। हाल ही में होली के खास मौके पर फैंस को उम्मीद थी कि कहीं ना कहीं ऐश्वर्या जो है अपने सोशल मीडिया पर बच्चन परिवार के साथ अपनी होली सेलिब्रेशन की कोई ना कोई फोटो को जरूर शेयर करेंगी। ऐसे में बच्चन परिवार की होली लोगों के बीच काफी ज्यादा चर्चा का टॉपिक बनी हुई थी। बच्चन परिवार के ग्रैंड होली सेलिब्रेशन के चर्चे हर तरफ थे। ऐसे में बीते दिन अमिताभ बच्चन से लेकर जया बच्चन तक पूरा परिवार रंगों में रंगा हुआ नजर आया। लेकिन इस बीच फैंस ने कुछ ऐसा नोटिस किया जिसके बाद बच्चन परिवार एक बार फिर से लोगों के निशाने पर आ गया। दरअसल अमिताभ बच्चन की नातिन नव्या नवेली और इसके साथ ही अभिषेक बच्चन ने कई सारी फोटोज को सोशल मीडिया पर शेयर किया। पूरा बच्चन परिवार होली के रंगों में रंगा हुआ नजर आया। लेकिन जिस चीज को लोगों ने सबसे ज्यादा मिस किया वो थी ऐश्वर्या राय बच्चन और आराध्या बच्चन की बच्चन परिवार के साथ होली। जी हाँ, होली सेलिब्रेशन में अमिताभ बच्चन, जया बच्चन, श्वेता जो उनकी लाडली है और इसके साथ ही नव्या, अभिषेक बच्चन सब नजर आए। लेकिन बच्चन परिवार की होली में कहीं पर भी ऐश्वर्या और उनकी बेटी आराध्या नहीं नजर आई। ऐसे में फोटोज को देखने के बाद लोग इतना ज्यादा भड़क गए कि लोगों ने बच्चन परिवार को एक बार फिर से ट्रोल करना शुरू कर दिया। दरअसल नव्या नवेली ने अपने इंस्टाग्राम पर होली सेलिब्रेशन की काफी सारी फोटोज और वीडियोस को शेयर किया। इस बच्चन परिवार की होली में कहीं पर भी लोगों को ऐश्वर्या और आराध्या नजर नहीं आई। हालांकि ऐश्वर्या और आराध्या ने होली तो मनाई लेकिन बच्चन परिवार के साथ नहीं बल्कि अपने दोस्तों के साथ, जहां पर अभिषेक बच्चन भी नजर आए। अब ऐसे में लोगों ने श्वेता बच्चन और उनकी बेटी नव्या को बुरी तरह से लताड़ना शुरू कर दिया। नव्या की फोटोज पर आप देख सकते हैं लोगों ने कैसे कैसे कॉमेंट किए हैं। हर बार कोई यही पूछता नजर आया कि ऐश्वर्या कहां पर है, आराध्या कहां पर है। और लोगों ने नव्या से ये भी कहा कि तुमने अपनी दादी के साथ होली क्यों नहीं मनाई, अपने नानो नानी के घर पर ही होली क्यों मनाई। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि ऐश्वर्या आराध्या का बच्चन परिवार की होली में ना होना, इसकी एक बड़ी वजह अमिताभ बच्चन की बेटी श्वेता बच्चन भी है जो की होली के टाइम पर वहाँ मौजूद थी। ये तो सभी जानते हैं कि ऐश्वर्या श्वेता बच्चन का रिश्ता बिल्कुल भी ठीक नहीं चल रहा है, दोनों के बीच लड़ाई झगड़ा रहता है। ऐसे में लोगों ने जब बच्चन परिवार की होली में मिसिंग देखा ऐश्वर्या आराध्या को तो लोग भड़क गए और इसके साथ ही सभी ने पूरे बच्चन परिवार को गरियाना शुरू कर दिया। आप देख सकते हैं लोगों की नाराजगी ऐश्वर्या और आराध्या के ना दिखने पर हो रही है, क्योंकि लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि होली के मौके पर तो कम से कम ऐश्वर्या अपने ससुराल वालों के साथ नजर आएंगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। ऐश्वर्या आराध्या होली खेलती तो नजर आई लेकिन अपने दोस्तों के साथ। अगर आपने फिल्मी बीट को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो उसे भी लाइक कीजिए। बॉलीवुड टीवी से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए फिल्मी बीट।